हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग काफ़ी डाउटफुल हैं कि बीएड सेकंड ईयर में इस बार कैसे जो है मतलब मार्क्स मिलेंगे और कितना परसेंटेज जो है पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तो यहाँ पर बने रहिए, बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक क्या रूल्स रहे हैं पासिंग मार्क्स के पिछले वर्षों में और इस बार फ़िलहाल तो अभी तक, ठीक है, ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि इस बार के पासिंग मार्क्स या कितने मार्क्स मिलने हैं, लेकिन पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, अभी तक कितने पासिंग मार्क्स मिलने हैं, ठीक है, जैसा अभी तक होता रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रही है एक मार्कशीट, जो क्वालिटी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बढ़ा लीजिएगा, आप बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, वीडियो की, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे थोड़ा सा डल दिख रहा होगा पेज, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये 2018-19 की जो है 2018-19 की मार्कशीट है, ठीक है, ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक। तो 2018-19 की मार्कशीट ये रही, दिख रहा है यहाँ पर आपको ना, तो इसमें क्या रेगुलेशन मतलब दिखाया गया है टू पास, यहाँ पर देखिए जो चीज़, अब ये चीज़ हमें एक लोगों ने आप ही में से बताई है, ठीक, तो कि इसके चेक करें और क्या बताएं, ऐसा करने के लिए कहा, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ, है ना। और जो लोग नए हैं फिलहाल अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यहाँ पर क्या था, टू पास अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 30% इन थियरी इंटरनल एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। तो यहाँ पर मतलब है कि पासिंग मार्क्स होने के लिए 36% होना चाहिए सब में अलग अलग, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम हो, इंटरनल हो या फिर प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, टू पास कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 36 इन थियरी, थियरी के बाद कॉमा लगा है, मतलब थियरी में और इंटरनल में और प्रैक्टिकल सेपरेटली, मतलब सब में अलग अलग मार्क्स होने चाहिए 36%। बट प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ये तो फिलहाल ग्रेड वाली लिस्ट है जो कि मिलता है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में अभी तक रहा, फिलहाल ये 2019 का है और उसके बाद चेंजेस हुए होंगे जो कि उसकी साइट पर दिया गया है, क्या उसमें चीज़ें हैं, तो चलिए हम वो चीज़ दिखाते हैं जो अभी तक जो है प्रेजेंट टाइम में माना जा रहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो बात में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो करंट की बात करें अगर हम, ठीक है, जो अभी तक चलता आ रहा था पिछले वर्ष की बात, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में है तो काफ़ी लोगों को समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर मेन मेन चीज़ हम बात करेंगे, रेगुलेशन फॉर द टू ईयर डिग्री ऑफ। तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी किस्सा, मतलब ऑफिशियल जो साइट होती है ना कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो उस पर मैंने PDF फिलहाल डाउनलोड करी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीज़ रेगुलेशन, भाई रेगुलेशन क्या होते हैं, जो विनियम होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मतलब संस्था जो है अपने आपको ये चीज़ें फॉलो करने के लिए बनाती है कि उनको इसे करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम सीधे अटेंडेंस के बारे में, फ़िलहाल ऊपर दिया गया है ना क्या कोर्स के बारे में अटेंडेंस, यहाँ पर आपके काम की चीज़ नहीं, हम सीधे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईयर दिया गया है, कैटेगरी दी गई है ईयर फर्स्ट, तो फर्स्ट ईयर के यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। फ़िलहाल आप लोग पिछली बार जैसा रूल थे कुछ चेंज हुए होंगे, उसी बेस पे यहाँ पर जो करंट टाइम का था वो चीज़ है, ठीक। तो इस बार यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ईयर का है, इसे हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। तो सेकंड ईयर यहाँ पर देखिए, ये रहा सेकंड ईयर का, ठीक। तो सेकंड ईयर में देखिए क्या, आपको ये तो पता है पेपर कितने होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पेपर का ऊपर दिया गया क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन में चारों पेपर की क्या है भाई, आपको थियरी में जो आपको मार्क्स लाने हैं वो 80 का प्रैक्टिकल वो होता है ना टोटल, लेकिन इस बार नहीं है। तो यहाँ पर हम पिछले बेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, 20 जो होता था आपका इंटरनल, तो ये तो सब आपको पता है ना पासिंग मार्क्स यहाँ पर टोटल पिछला जो सब दिया गया है, लेकिन जो मेन बात यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नीचे जो दिया गया है पासिंग मार्क्स का कहाँ पर है, द मैक्सिमम ऑफ द ऑल प्रस्पेक्टिव प्रॉपर 100 विल बी 80 मार्क्स। तो ये तो बताया गया है, यहाँ पर हम नीचे बढ़ेंगे जो न्यूज़ है ना, ये चीज़ यहाँ पर देखिए, इन द सेकेंड ईयर 4 पेपर दिए गए हैं, उनके नाम फिलहाल यहाँ पर दिए गए हैं, और जो मेन न्यूज़ है फिलहाल हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए नीचे यहाँ पर है, ठीक है। नीचे ये देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है,
टेबल फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर क्लासिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 60% अबो, अगर 60% है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न है, 48% अबो है तो आपका सेकेंड डिवीज़न है, और बेलो 48 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है कि आपकी कंडीशन क्या होगी, फेल होगी, ठीक है, टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए। और क्या जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, टू पार्ट्स इन थियरी अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% इन ईच पेपर, मतलब आपको 40% मार्क्स, जैसा कि अभी तक चल रहा था, ठीक है, 40% मार्क होने चाहिए थियरी में, तो थियरी अभी तक कितना होता था, 80 मार्क्स का होता था, है ना, तो 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग भाई आपको अगर 40% निकालना है तो सिंपल है ना, तो कितना आएगा, 32 मार्क्स आएगा आउट ऑफ 80, और 48 किस में होने चाहिए, एग्रीगेट बोथ इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेपरेटली, मतलब इंटरनल और जो एक्सटर्नल होते हैं ना उसकी बात कर रहा है, किसमें 40 इन ईच पेपर में होने चाहिए एंड 80 48% किस में, इंटरनल जो एग्ज़ाम है उसमें, तो मतलब इंटरनल का आपको जैसे पता है ना 20 मार्क्स का होता है क्यों, तो 20 मार्क्स का 48 आपको निकालना है, ठीक, तो वो 48 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है भाई 50% डायरेक्ट 10 बनेगा और 48% यहाँ पर 9 समथिंग बनेगा, ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एवरी इंटरनल प्रैक्टिस रिस्पेक्टिव एंड कैरिकुलम एंड पेडागॉजिक स्टडीज़ 5 मार्क्स आउट ऑफ 20 विल अवार्ड, यहाँ पर यह बताया गया कि अटेंडेंस पर कितने मार्क्स अवार्ड के रूप में मिलते हैं, ठीक, तो जो रेगुलर हैं भाई अटेंडेंस के ये मार्क्स मिलते हैं, अगर एबो 90 भाई वो मार्क्स अलग से रहेंगे, जो आपके 48 की बात करी गई वो तो आपको भाई वो एग्जामिनर के ऊपर है ना कि वो कितना दे, लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस के रूप में भी आपको इतने मार्क्स मिलते हैं, तो इसमें तो फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी, 90% अगर अटेंडेंस है तो 5 मार्क्स मिलते हैं ना एक्स्ट्रा रूप में, और 85 है तो 4, ये सब मतलब यहाँ दिया गया, इसको आप समझ लेंगे, तो कितने परसेंट पर, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस बार की, ठीक है, तो चलिए हम इस बार की बात करें, आपको जैसे कि 75 करना होता है और पिछले अकॉर्डिंग 40% यहाँ पर पासिंग मार्क्स, तो हम यहाँ पर केवल पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब 75 और बच रहे हैं 25, 100 कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़, नए रूल्स क्या निकालते हैं वो तो बाद में देखेंगे, यहाँ पर हमारा मुद्दा ये है पासिंग मार्क्स क्या होंगे, ठीक, तो फिलहाल मैं पिछले अभी मैं ये भी बता चुका हूँ शुरू में कि इस बार का ये नहीं है, अभी नया रूल्स कुछ फ़िलहाल कुछ बनेंगे ही ना रेगुलेशन में, तो वो बताएंगे यूनिवर्सिटी वाले, तो 40 होता था पासिंग मार्क्स, ठीक है, तो अगर 75 में अगर वो 40 रखते हैं, ठीक, 40% रखते हैं तो आपको इसमें कितना 30 मार्क्स बनेगा, तो आपको ये आंकड़ा लगा लीजिए भाई, अगर चेंज परसेंटेज में बात करेंगे तो आपको 30 मार्क्स लाने हैं, फिलहाल इससे जो है ज़्यादा पासिंग मार्क्स नहीं करेंगे, ठीक, आपको 40% से ऊपर नहीं रखेंगे, भले इससे कम कर दें, ठीक है, तो कम करने ना करने की बात वो तो टाइम पर देखी जाएगी, यहाँ पर 30 मार्क्स आपको पासिंग होने के लिए लाने हैं, और इंटरनल में तो आपको मिल ही जाएंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए, तो आपको भाई पेपर आपके हो गए हैं, आपको पता भी चल गया आपने कितने सही किए हैं, लगभग 90% तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ इतने मार्क्स, मतलब आंकड़ा मिल जाता है ना कि आपको 40 से 50 के बीच मिलते हैं या किससे क्या, तो यहाँ पर आपको 30, जिसके 30 से कम है वो थोड़ा डाउटफुल रहेंगे, ठीक है, तो वो बैक पेपर के लिए तैयार रहें फिलहाल, है ना, और यहाँ पर 30 वाले सेफ, 30 प्लस वाले सेफ ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अलावा लेकिन यहाँ पर देखिए बीएड में परसेंटेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो आपका जो शिक्षक भर्ती होती है यूपी में और जो गुणांक बनते हैं, अब गुणांक आपको नहीं पता होगा क्या है, तो इसको जानना है तो आप एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दें, वो मैं बता दूंगा कि क्या परसेंटेज की वैल्यू होती है, क्यों जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम आपने सुना होगा उसमें कई लोगों के 100 प्लस मार्क्स होने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और कई लोगों का 90 प्लस हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, आखिर क्या वजह है ऐसी, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, फिलहाल कई लोग जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें वो जानते होंगे ना,
तो ये चीज़ अगर जानना है तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहें तो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग कहेंगे तभी मैं इसमें टाइम दूंगा, फ़िलहाल अभी के लिए। और क्या टेंथ की वैल्यू होगी परसेंटेज की, क्या ट्वेल्थ की, क्या ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है, क्योंकि इन सब का परसेंटेज अभी तक जो रूल शिक्षक भर्ती में है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनका अच्छा परसेंटेज है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और जिनका कम परसेंटेज है अगर सुपर टेट के एग्ज़ाम में वो मतलब अच्छे मार्क्स लाते भी हैं फिर भी उनका घाटा होता है। तो ये अच्छी बात है नहीं अच्छी बात है टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कि ये तो बाद में होगा, है ना, ये क्योंकि नई सरकार आती है अपने रूल्स बनाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम पासिंग की बात करें तो 30 मार्क्स आपके प्लस होने चाहिए तो आप पास हैं, अगर 30 से कम है तो उसके लिए फ़िलहाल अब जो क्या नोटिस देती है यूनिवर्सिटी, और ये जो पीडीएफ मैंने दिखाई फ़िलहाल ये जो है जो अभी तक रूल्स रेगुलेशन थे उसकी पीडीएफ है, इस बार के नए रूल्स की कोई भी पीडीएफ या कोई भी अभी तक जानकारी में नहीं आई है, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसी जानकारी आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं जानकारी आप लोग, जो कि आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।